हेलो गाइस, 89th डे है ट्रांसफॉर्मेशन का। आज हम लोग अपर बॉडी करने वाले हैं। कल की तरह आज भी हम लोग अपर बॉडी के लिए सर्किट ट्रेनिंग करेंगे और आज से नवरात्र भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो कल हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी डाइट को बिना डिस्टर्ब किए हुए ट्रांसफॉर्मेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। कल एक रेस्ट डे रहेगा, लेकिन कल की वीडियो मिस मत कीजिएगा। सो वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले अच्छी तरह से वार्म अप करना है। अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी दोनों का ही वार्म अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए और इंजरीज से बचने के लिए। हम लोग टोटल आज 6 एक्सरसाइजेस करेंगे और 3 सर्किट्स करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज होगी बैक की लैट पुल डाउन। हम लोग मीडियम वेट यूज करेंगे और 15 रेप्स करेंगे विदाउट एनी रेस्ट। हमारी सेकेंड एक्सरसाइज होगी चेस्ट की पैकडेक मशीन। आपको कॉन्ट्रैक्शन पे ध्यान देना है और आप 1 सेकेंड होल्ड भी कर सकते हो एंड कॉन्ट्रैक्शन पे। थर्ड एक्सरसाइज बिना रेस्ट के हम लोग एब्स टारगेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग स्पेशली अपनी अपर एब्स टारगेट कर रहे हैं और 20-25 रेप्स हमें इसके करने हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे विदाउट रेस्ट साइड लैटरल रेजेस विद डंबल्स अराउंड 15-20 रेप्स। और आप यहाँ पे फॉर्म देख सकते हैं, आपके एल्बोज आउट रहने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे बाइसेप्स में विदाउट एनी रेस्ट। हम लोग करेंगे प्रीचर कर्ल्स एक मीडियम वेट लगा के। आपको 12-15 रेप्स इसके करने हैं और कॉन्ट्रैक्शन पे पीक कॉन्ट्रैक्शन पे ध्यान देना है। बाइसेप्स कंप्लीट होने के बाद विदाउट एनी रेस्ट हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी ट्राइसेप्स की रोप पुश डाउंस 15-20 रेप्स विद मीडियम वेट। फोकस ऑन द कॉन्ट्रैक्शन एंड फुल रेंज ऑफ मोशन। इसी तरह से आपको बाकी के 2 सर्किट्स और कंप्लीट करने हैं। 90 सेकेंड्स का रेस्ट होगा। सो गाइज, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर 11 सपोर्ट। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी।